हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रश्मि सिंह व्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आपने कितने दिन से पूछ रखा था कि मैं ब्रेकफास्ट में अपने जो है क्या प्रेफर करती हूँ खाना। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में जो है मैं क्या खाती हूँ, और मैं बहुत ही सिंपल सा चीज़ खाती हूँ। तो आप देख रहे हो, अभी मैं जो है एप्पल कट कर रही हूँ और अपने ब्रेकफास्ट के लिए तैयारी कर रही हूँ। सो गाइज, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही हेल्पफुल कंटेंट लेके आती हूँ जो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। जिनका रीसेंट ट्रांसप्लांट हुआ है, मैं डायलिसिस से लेकर ट्रांसप्लांट प्लस पोस्ट ट्रांसप्लांट की सारी अपडेट्स जो है आप सबको देती रहती हूँ। अपनी लाइफ से जुड़ी हर चीज़ मैं आप सबसे शेयर करती रहती हूँ, ताकि कुछ लोगों के लिए ये जो है मेरे व्लॉग्स मोटिवेशन भी है। तो मैं अपना ट्राई करती हूँ बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप सबके लिए ला सकूँ। तो प्लीज़ गाइस, डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो चलिए, देरी ना करते हुए अब हम बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो ये देख रहे हैं कि साथ में मैं जो है ना नट्स भी खा रही हूँ। यहाँ पे बस अखरोट और बादाम मैं नट्स में लेती हूँ और कुछ नहीं। यार, दूध है मेरा सिर्फ एक कप और ये साथ में एप्पल। तो अब मैं जा रही हूँ ना ब्रेकफास्ट करने। सो येस, दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट। एंड आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या लेती हूँ, तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं लेती हूँ, अभी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत लाइट ब्रेकफास्ट खाना पसंद करती हूँ। और कितने लोग के ऊपर है कि जैसे अभी कितने लोग बोलेंगे यार इतने में तो कभी कभी ना भूख लग जाती है, नॉन लग जाती है, तो उसके लिए आप क्या करो, आप चीला भी बना सकते हो। लाइक उत्पम, अगर आप प्रेफर करते हो मॉर्निंग में खाना, तो आप खा सकते हो उस अकॉर्डिंगली। सो इट्स टोटली अपॉन यू हाउ यू आर टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, राइट? आप जो भी लो, थोड़ा सा प्रोटीन भी होना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में प्रोटीन भी ज़रूरत है हमें। बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, बट प्रोटीन तो चाहिए ही, तो उसको इंक्लूड करिए। मैंने इसलिए नट्स ले लेती हूँ, भिगोए हुए आलमंड्स हमेशा मैं लेती हूँ, उनको पील ऑफ करके। एप्पल मैंने शुरू से खाया, आप लोगों को मैं बताती हूँ, एप्पल हमेशा मैं खाती हूँ। और जो है अभी कैल्शियम की मुझे थोड़ी शिकायत आ रही थी, लाइक तो 1 मंथ से मैं जो है ना मॉर्निंग के टाइम में भी एक कप जो है दूध लेती हूँ। वैसे काऊ मिल्क है तो फैट नहीं रहता है ज़्यादा इसमें, एक कप लेती हूँ और रात को भी मैं लेती हूँ एक कप, ठीक है? तो ये टोटली मेरा, इससे मैं आराम से फुलफिल हो जाती हूँ। उसके बाद जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक करती हूँ, फिर से वार्म वाटर पी लेती हूँ 2 ग्लास, फिर उसके बाद से नॉर्मल वाटर पीती हूँ, तो कंटिन्यू करती रहती हूँ, पानी कंटिन्यू रखती हूँ तब तक जब तक मेरे लंच का टाइम नहीं हो जाता है। तो मैं इतना भी ध्यान रखती हूँ ना कि कितना अमाउंट मैंने पानी पी लिया और कितना अभी तक मुझे पीना है लंच तक। हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ले रहे हैं सुबह के टाइम में, वो हमें एनर्जी देने वाला हो और वो काफ़ी हेल्दी हो, क्योंकि ये सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि हमारे बॉडी को जो है यही सारी चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाली हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट इम्यूनो सप्रेसेंट, जो मेडिसिन जो हमारी लाइफ टाइम चलने वाली है। उसके अलावा हमें जो है ना अधिक मेडिसिन नहीं लगेगी, लाइक मल्टीविटामिन। वैसे कितने लोग मल्टीविटामिन लेते हैं एक्स्ट्रा, जैसे तो हम क्यों ना अपने खाने से ही लें। तो अब ऐसे ऐसे कुछ न्यूट्रिशियस चीज़ें देखो कि क्या आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो, क्या आप लंच में इंक्लूड कर सकते हो, और डिनर में क्या इंक्लूड कर सकते हो। वैसे भी एक कहावत आप लोगों ने सुना है कि ब्रेकफास्ट जो है राजा की तरह करना चाहिए, प्रिंस की तरह करना चाहिए, लंच राजा की तरह, एंड डिनर जो है जस्ट एक नॉर्मल यानी की तरह करना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग है। वैसे कितने लोग जो हैं कमेंट्स भी करते हैं कि मैं ऐसे खाता हूँ, मैं ऐसे खाता हूँ, कितने लोग हैं कि आधा टाइम हवा में बिताओ, आधा टाइम पानी पे करो। देखो, तो सबकी ना बॉडी टाइप मेनली अलग है, सबकी बॉडी को हर एक चीज़ सूट नहीं करती है। कितने लोग को एप्पल बहुत फ़ायदा करता है, कितने लोग को वो भी नहीं फ़ायदा करता। वैसे कहने के लिए लोग कहते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, बट कितने लोग बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं एप्पल खाना। तो वही चीज़ें हैं कि जो आपको पसंद हो और जो आपको पता है ये चीज़ें जो है ना मुझे फ़ायदा करेंगी खाने में, तो वो चीज़ आप प्रेफर करो खाने के लिए। तो मेरा जो ब्रेकफास्ट है बस यही होता है, मैं इसके अलावा ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ और कुछ खाना। प्लीज़, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, एज वेल एज ऑन फेसबुक पेज। मेरे सारे जगह जो हैंडल है @ रश्मि सिंह व्लॉग्स ही हैं, तो आपको आसानी रहेगी फॉलो करने में, मैसेज करने में, आपको ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो गाइज, प्लीज़ अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी एक अच्छा सा कंटेंट, और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, नमस्कार।